हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। सो एक बार फिर पार्ट टू बीसीएसएल 013 का जो आपका वाइवा प्रैक्टिकल है, उसका जो पार्ट टू है वो मैं लेके आई हूँ। पार्ट वन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और पार्ट टू के लिए भी बोल रहे हैं कि आप पार्ट टू भी बनाओ, लाइक जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको बताने के लिए। सो मैंने बीसीएसएल 013 लैब क्वेश्चन और वाइवा का जो आपका प्रैक्टिकल है उसका मैंने और भी क्वेश्चन निकाला है, ठीक है, जो बेसिकली आरसी पटना, कोलकाता, लखनऊ और दो तीन और सेंटर से उनके लैब से, मतलब लैब जो स्टूडेंट जिन्होंने दिया उनसे कनेक्ट करके मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। सो वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एंड सॉल्यूशन दूंगी। सो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों वीडियो देखने के बाद 100% आपका 80 to 90 मार्क्स गेन हो जाने हैं। बस आपको नर्वस नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप लोग इंटरव्यू जो भी आपका वाइवा होगा फ्रंटली आंसर दे पाओ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हैं। हे सो आपका जो मैंने जो फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोग वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। अगर चेकआउट नहीं कर पाए ना तो डेफिनेटली आप मिस करने वाले हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए और पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ आई थिंक इसका तो नहीं, मतलब जो पहले वाला वीडियो का पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। इसकी भी कोशिश करूँगी कि एक दो घंटे के वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में मुझे थोड़ा सा आलस आता है। सो देखते क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ इनपुट, इनपुट क्या है। सो आप बेसिकली जानते हैं कि इनपुट के बारे में बहुत सारा मुझे बहुत गुस्सा आया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि मैम आपने इनपुट नहीं बताया था कि इनपुट क्या है। यार तुम लोग कंप्यूटर इनपुट नहीं जानते हो तो क्या पढ़ रहे हो यार, बंद कर दो फिर। कंप्यूटर इनपुट इज़ व्हाट, किसी भी कंप्यूटर में जो इनपुट डाला जाता है, इनपुट क्या हो सकता है, कंप्यूटर का इनपुट कॉम्पोनेंट्स क्या हो सकते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इनपुट्स हो गई। लाइक अब इनपुट है क्या, व्हाट इज़ इनपुट। इनपुट रेफर टू एनी इन्फॉर्मेशन टू डेटा और डेटा दैट सेंट टू अ कंप्यूटर ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन और डेटा को सेंड किया जाता है किसी भी कंप्यूटर माध्यम, कंप्यूटर में, सो वो इनपुट कहलाता है, ठीक है। और मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि यार इनपुट नहीं पता किसी को। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज क्या है। लेकिन लाइक मैंने मेल बता दिया था कि मेल क्या होता है, ईमेल भी बता दिया था मैंने, लाइक जीमेल मैंने अभी तक नहीं बताया है कि जीमेल इज़ व्हाट, और इसके दोनों के बीच डिफरेंस भी बताना था, लाइक यूआरएल क्या है, प्रिंटर क्या है। प्रिंटर आप डेफिनेटली पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ही शर्म की बात है कि आपके पास इनपुट और प्रिंटर का डिफिनीशन नहीं पता है और आप बीसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में हैं। ओके सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, एक्सप्लेन इट। ओके सो न्यूमेरिकल कीज़ क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कीज़ लाइक 1, 2, 3 इज आर न्यूमेरिकल कीज़ ऑफ योर कीबोर्ड डियर, हाउ कैन यू फॉरगेट इट दैट। सीपीयू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फंक्शंस की क्या है, मदरबोर्ड क्या है, ईमेल क्रिएशन क्या है, विंडोज इंस्टॉलेशन क्या है, लिनक्स क्या, लिनक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उसके दो तीन कमांड्स भी मैंने बता रखे हैं कि कमांड्स भी पूछते हैं, उसके वर्क्स पूछते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैंने अभी इनपुट बताया, आउटपुट इज़ लाइक माउस भी हो सकता है। प्रिंटर जो है ना आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आता है, स्क्रीन हो गया लाइक, सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ईमेल और जीमेल के बीच डिफरेंस बताना है और कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स बताने हैं। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को मिस आउट कर देते हो और आप नंबर्स कम आ जाते हैं आपके लाइक, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एनिमेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सी व्हाट इज़ इनपुट, इनपुट रेफर टू एनी इन्फॉर्मेशन और डेटा दैट इज सेंट टू अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ओके मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज इज अ कंसिस्टेंस ऑफ कंबाइनिंग मेल्स एंड लेटर्स एंड प्री एड्रेस एनवेलप्स और मेलिंग लेबल्स फॉर मास मेलिंग्स फ्रॉम अ लेटर। लाइक मेल मर्ज क्या होता है, मतलब एक साथ एक ही मेल को कई एड्रेस, मतलब काफ़ी लोगों के पास भेजे जाते हैं ना, उसे मेल मर्ज कहते हैं, राइट। प्रिंटर क्या है, इन कंप्यूटर प्रिंटर इज़ अ
prefer machine which makes persistent representation of a graphic or text usually on a paper, or we can also called a computer printer. प्रिंटर को हम कंप्यूटर प्रिंटर भी कहते हैं. लाइक इलेक्ट्रॉनिक, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट फाइल्स इमेजेस फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर दैम अ मीडियम ऑफ अ सच अ सच एज अ पेपर, राइट. अब आपके पास क्वेश्चन है कि कितने टाइप्स के होते हैं प्रिंटर. तो इंजेक्ट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, सॉलिड इंक प्रिंटर होता है, कंटिन्यूस इंक प्रिंटर होता है, एलईडी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, A3 प्रिंटर्स, कितने सारे प्रिंटर्स. आप दो तीन ही बता दो ना तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर खुश हो जाने वाला है, ठीक है. लेकिन आप लोग तो बताते ही नहीं हो. अब आपका है न्यूमेरिक की. बहुत शर्म की बात है कि आपके पास आपको नहीं पता न्यूमेरिक की क्या है. न्यूमेरिक की क्या यार, न्यूमेरिक नंबर, नंबर से ही पता चलता है कि नंबर वाले कीज़ को न्यूमेरिक की कहते हैं. लाइक 1, 2, 3 इज़ और न्यूमेरिक की. फंक्शंस की जो F1, F2, F3, F4 जो आपका कीबोर्ड में होता है उसको फंक्शन कहते हैं. फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, राइट. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को, अल्फ़ाबेट कीज़ और ABCD, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आप बहुत मिस आउट करते हो. छोटी छोटी चीज़ें एंड बुक पे ध्यान देना है. अब आपके पास क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ऑलरेडी अपलोडेड माय प्रीवियस वीडियो, तो यू कैन चेक आउट एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और सारे 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 सेमेस्टर के मैंने सारे प्रैक्टिकल के फाइवा असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लें. एक बार चैनल ज़रूर विजिट करना, ओके. सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इनपुट डिवाइस मैंने बता ही दिया, आउटपुट डिवाइस. तो बचा क्या, ईमेल और जीमेल में डिफरेंस. जीमेल इज़ अ फ्री सर्विस डेट वेब बेस्ड. जीमेल क्या होता है ना, फ्री सर्विस है विच इज़ वेब बेस्ड एंड इट्स अलाउड टू इट्स यूजर टू रिसीव एंड सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस बाय यूजिंग आइदर द वेब और द थर्ड पार्टी एप्स थ्रू आई एम एप और पॉप प्रोटोकॉल्स लाइक यू नो. और ईमेल्स जो है ना, ईमेल इज ओनली जनरेटेड टर्म्स दैट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. बस ठीक है, इतना ही डिफरेंस बताना होता है आप लोग को, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट.